नमस्कार, मैं मीनू सबरवाल। अलीपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को बकोली गांव से गिरफ्तार किया है जो झपटमारी जैसी वारदात को अंजाम दिया करता था। आरोपी इब्राहिमपुर का रहने वाला है। आरोपी अलीपुर, नरेला, बवाना सहित अन्य आसपास के इलाकों में झपटमारी जैसी वारदात को अंजाम दिया करता था। आरोपी के पास से पुलिस ने एक चोरी की हुई स्कूटी और दो मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से यह जानने की कोशिश में लगी है कि आरोपी ने और कहां कहां वारदात को अंजाम दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अलीपुर थाना पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान रंगे हाथ दबोचा झपटमार। बीती रात अलीपुर थाना पुलिस बकोली गाँव में पेट्रोलिंग कर रही थी, उसी दौरान आरोपी ने एक राहगीर के साथ झपटमारी की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसकी सूचना वहां कर रही पेट्रोलिंग टीम को मिली। पेट्रोलिंग टीम में मौजूद एएसआई नरेंद्र, हेड कांस्टेबल प्रदीप व कांस्टेबल सुधीर ने आरोपी का कुछ दूर तक पीछा किया। शिकायतकर्ता ने जो पेट्रोलिंग टीम को हुलिया बताया था, उसके आधार पर इसे रोका गया और तलाशी के दौरान इसके पास से स्नैचिंग किए गए दो मोबाइल फ़ोन व वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की गई है। आरोपी जिस स्कूटी पर स्नैचिंग व झपटमारी की वारदातों को अंजाम दिया करता था, वह बवाना थाना इलाके से चोरी की गई है, जिसकी शिकायत बवाना थाने में पहले से ही दर्ज कराई गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गौरव इब्राहिमपुर के रूप में हुई है। आपको बता दें, आरोपी गौरव के खिलाफ पहले भी झपटमारी व स्नैचिंग के कई आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। इलाके में हो रही लगातार झपटमारी व स्नैचिंग की वारदातों को देखते हुए एसएचओ अलीपुर संजीव कुमार ने तमाम बीट स्टाफ व पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर रखा है, जिसके चलते बीती रात अलीपुर थाना पुलिस की टीम को यह कामयाबी हासिल हुई है और एक झपटमार को रंगे हाथ दबोचा गया है। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस आरोपी गौरव से पूछताछ में जुटी है। वहीं अलीपुर थाना पुलिस का दावा है कि आरोपी गौरव की गिरफ्तारी के बाद इलाके के कुछ और आपराधिक मामले भी खुल सकते हैं, क्योंकि इलाके में लगातार हो रही झपटमारी की वारदातों को देखते हुए तमाम स्टाफ अलर्ट पर है।